और 1 मिनट है, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास। शायरों साहिरम, चलिए हम क्लासेस स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसलिए प्लीज जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओम का। साइराम, चलिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साइराम साइराम, देखिए आज आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे पहले लेसन 5th का भाषा की बात को बताना है, तो हम सबसे पहले आज पहले उसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको हमारी? यस मैम, ओके okay. स्क्रीन विजिबल। यस मैम, यस दिखाई दे रहा है आपको? यस उस दिन हमने यहीं से शुरू किया था ना मैम, भाषा की बात को, यस मैम, ठीक है? यस मैम, यस चलिए, अच्छा, मैम, यस यहाँ पर ये भाषा की बात है। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि माने जिसका आरंभ ना हुआ हो, आदि माने होता है आरंभ होना, माने जहां से प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है? लेकिन अनादि लगा दिया, अनुपसर्ग लगा दिया उसमें, तो बोला जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई हो। जैसे हमने आपको बताया था इस वाले पाठ में, इतिहास और प्राग ऐतिहासिक। इतिहास माने जहां से हमने इतिहास को शुरू किया है, जहां से हमारा इतिहास लिखा हुआ मिलने लगा है, जहां से हमारे साहित्य लिखे हुए मिलने लगे हैं, वो इतिहास है। और जो लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखने से पहले क्या हमारा मानव अस्तित्व नहीं था? था, तो वो प्राग ऐतिहासिक हो गया। वैसे ही आदि शब्द का मीनिंग होता है, ये आदि शब्द जो दिया हुआ है, इस आदि शब्द का मीनिंग होता है मतलब शुरुआत, जहां से शुरू हुई हो, शुरू हुआ हो, शुरू होता है। लेकिन उसमें अनुपसर्ग लगा देते हैं तो होता है जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई हो, है ना? तो ये शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इन्हें उपसर्ग कहते। उपसर्ग क्या है? पहले उपसर्ग को समझ लीजिए। उपसर्ग शब्द नहीं है, उपसर्ग जो है वो शब्दांश है, वो सॉरी, हाँ, शब्दांश है। दूसरी बात, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है,
उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उपसर्ग शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, उपसर्ग में, उपसर्ग जिन शब्दों में लग जाता है उन शब्दों का या तो अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उनकी विशेषता बताते, माने उसमें विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर, मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अब देखिए आगे देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पहला शब्द है असफल। असफल में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अउपसर्ग है। सफल माने जिस किसी को कार्य करने में, जिसका कार्य पूरा हो गया है, जो कार्य करने में सफल हुआ है। यदि हमने वहीं पर अउपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया असफल, माने जो इसका कार्य सफल नहीं हुआ है, माने जिसका कार्य पूरा नहीं हुआ है या वो कार्य अपना पूरा नहीं कर पाए। तो अउपसर्ग जड़ने से, सफल मूल शब्द है, मूल शब्द में हमने अउपसर्ग लगा दिया तो उसमें अर्थ में परिवर्तन हो गया, उसका विलोम हो गया वो। ऐसे ही अदृश्य, अदृश्य में भी वही है, दृश्य माने जो दिखाई दे रहा है, अदृश्य माने जो दिखाई नहीं देता है। तो अउपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया है। अनुचित, अनुचित में क्या है, अनुपसर्ग लगा हुआ है और उचित शब्द है, उचित शब्द है और अनुपसर्ग लगा हुआ है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। तो उचित माने जो ठीक है, अनुचित माने जो ठीक नहीं है, माने शब्द में के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है उपसर्ग लगाने से। अनावश्यक, अनुपसर्ग लगा हुआ है, आवश्यक माने जो जरूरी हो, अनावश्यक माने जो जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी अनुपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ है। अपरिचित, परिचित शब्द में अउपसर्ग लगाया, शब्द बन गया अपरिचित। अपरिचित माने होता है, सॉरी, परिचित माने होता है जाना पहचाना, जिसको हम जानते हैं। अपरिचित माने जिसको हम नहीं जानते हैं। अब आगे का शब्द है अनिच्छा। अनिच्छा में भी क्या है, अनुपसर्ग लगा हुआ है, अन प्लस इच्छा। इच्छा माने होती है जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमारी हमारी इच्छा है, हम जो चाह रहे हैं। अनिच्छा माने जिस जो हम नहीं चाहते हैं, वो होता है अनिच्छा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग अर्थ को बदल रहे हैं, ठीक है, अर्थ को क्या कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं। अब और कौन से शब्द हैं? हाँ देखिए, सफल माने कामयाब, दृश्य माने जो ठीक से दिखाई देता है, उचित माने ठीक, आवश्यक माने जरूरी, परिचित माने जानकार, माने जो जिससे हमारी जान पहचान है, सॉरी, जानकार। और अगला कौन सा, इच्छा, इच्छा माने चाह और अभिलाषा। अब इन इन शब्दों में क्या हुआ था, इन शब्दों में जब हमने उपसर्ग लगाया था तो इनका अर्थ परिवर्तित हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश होते हैं। यस मैम। हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उनकी अर्थ में विशेषता ला देते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, और ये शब्द से पहले लगाए जाते हैं, ये होते हैं उपसर्ग। यहाँ पर हमने कौन से दो उपसर्ग पढ़े, अ और अन, और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। हमने आप लोगों को विशेषण पढ़ाया था, विशेषण हमने, ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो विशेषण मतलब संख्याएं क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं, परंतु कभी कभी ये विशेषण का, संख्यावाची विशेषण आया था ना, संख्यावाची में भी क्या हमने बताया था आप लोगों को, संख्यावाची विशेषण के चार भाग होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक, और कौन कौन से होते हैं चार, गुणवाचक बताएंगे आप लोग, संख्यावाचक,
निश्चित वाचक अनिश्चित वाचक कौन जाति वाचक तो संज्ञा होती है बेटा जाति वाचक तो अनिश्चित वाचक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण भी होता है ठीक है और परिमाणवाचक संख्यावाचक गुणवाचक निश्चित और अनिश्चित तो बेटा यहाँ पर होते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। संख्यावाचक में दो पार्ट हो जाते हैं निश्चित और अनिश्चित के। मूल रूप से चार क्या होते हैं पहला गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक और सार्वनामिक ये चार विशेषण होते हैं ठीक है। निश्चित और अनिश्चित कहा जाता है संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। आप जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है संख्यावाची संख्यावाचक विशेषण का। जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है 5 अरब साल तो ये क्या हो गया संख्यावाची विशेषण हो गया। 5 अरब साल पुरानी किसका विशेषण है धरती का ठीक है धरती का उदाहरण है। अब यहाँ पर लिखा है कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कब बसाना शुरू किया है ना कब दस हजार साल पहले। हाँ जी 5 अरब 10,000 ये संख्यावाची होने के बाद भी ये क्या हो गए हैं संख्यावाची होने के बाद भी क्या हो गए ये विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण हाँ संख्यावाची विशेषण का रूप है ये। अब आ जाता है इन वाक्यों में अंश जो साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जहां हम जिन चीजों को गिन सकते हैं वो संख्यावाची होते हैं जिसे नापा तोला जाता है माप किया जाता है वो परिमाणवाची होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है 4 संतरे 5 बच्चे 3 शहर पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता वहां यहाँ सॉरी थोड़ा आगे आगे हाँ गिना नहीं जा सकता तो उनके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा 4 संतरे 5 बच्चे 3 शहर यहाँ पर सीधा सीधा संख्याएं आई हैं 4 5 3 लेकिन जब इन संख्या जो चीजें जो वस्तुएं हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है उनके सामने संख्याएं तो आती हैं लेकिन संख्याओं के साथ में क्या क्या शब्द आ जाते हैं मापतोल वाले किलो गज लीटर किलोग्राम इस तरीके के शब्द आ जाते हैं लीटर मीटर मीटर ये सब क्या है संख्या शब्दों के साथ में नापतोल वाले शब्द आ जाते हैं लीटर मीटर गज किलोमीटर किलोग्राम हाँ मिलीमीटर हाँ तो इस तरीके के शब्द वहां पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ो खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उच्च शब्दों को छांट कर लिखो। जैसे प्याला कटोरी एकड़ मीटर लीटर किलो ट्रक चम्मच ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसको हाँ। जैसे 3 कटोर खीर क्या आ जाएगी कटोरी 3 कटोरी खीर 2 खीर 2 जमीन एकड़ जमीन का जो माप तोल होता है वो एकड़ में रहता है 6 कपड़ा मीटर कपड़ा मीटर में तोला जाता है। ये किसका वो खुला हुआ है किसी बच्चे का माइक खुला हुआ है जो आवाज आ रही है 1 रेत क्या हम आरुष का माइक खुला
एक किलो रेत नहीं होगा, एक ट्रक, ट्रक दो, एक ट्रक कॉफी, दो कॉफी, दो कॉफी, दो ग्लास कॉफी। नहीं नहीं नहीं, वो शब्द ऊपर दिए हुए हैं ना आपके पास, इसमें इनमें से छांटो। प्याला नहीं, चम्मच, चम्मच, चम्मच कॉफी, दो चम्मच कॉफी या दो प्याला कॉफी भी कर दो, चलो ये भी हो सकता है, दो प्याले कॉफी के भी हो सकते हैं। अब इसके बाद पांच बाजरा, किलो, पांच किलो, किलो बाजरा, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर दिए हैं, चलो 5 किलो बाजरा है ना, और कितना है, और भी है क्या शब्द यहाँ पर? हाँ एक और शब्द है, 3-तेल, लीटर, 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 लीटर आ जाएगा, लीटर, लीटर दूध, हाँ, और यहाँ पर 1- दूध, तो यहाँ पर दूध के साथ में प्याला आएगा और कॉफी के साथ में चम्मच आएगी, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, कॉफी के साथ में चम्मच आएगी, तो 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 चम्मच कॉफी, 1 प्याला दूध, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 लीटर तेल, इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे। अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम, आ रहा है। यस मैम, चलिए चलिए, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, जो अप्रयोग में नहीं रहे, प्रचलित नए अक्षर जो अप्रयोग में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो पहले अलग तरीके से लिखे जाते थे, लेकिन अब उनका प्रयोग प्रचलन में नहीं है, नए शब्द आ गए हैं। जैसे अब जो प्रयोग में नहीं है, तक, झ, अन्य, अब देखिए इसको क्या बताया है उन्होंने, इस तरीके से देखिए, जैसे झ, ख, ल, ये नए अक्षर प्रयोग में आ गए हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ये दिया है, झ गलत दिया है, न्य गलत दिया है, आज भी ये अक्षर प्रयोग में आते हैं। जो अक्षर प्रयोग में नहीं आते हैं वो अक्षर मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे मैम का बहुत कम प्रयोग होता है, मैम ये बहुत कम प्रयोग में आता है। नहीं नहीं नहीं, पंचमाक्षर है, आता है प्रयोग, क्यों नहीं आता है? आजकल क्या है कि इसको अनुसार के रूप में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन है, जैसे चंचल शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, तो चंचल में ये न्य है, लेकिन आजकल हम लोग इसका प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं, हम पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार प्रयोग लगा देते हैं, है ना? तो ये आता है, देखो इसमें से उन्होंने सिर्फ ये वाला शब्द सही लिखा है जो प्रयोग में नहीं है, ये दोनों तो अभी भी प्रयोग में आते हैं, ठीक है। जैसे ये है शब्द, अब देखिए, अब इसके बाद जो नए अक्षर प्रयोग में आते हैं, अब थोड़ी सी मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले अ जो था बहुत अलग तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर ये झ लिखा हुआ है ना, तो झ पहले कैसे लिखा जाता था, भा लिखा जाता था, भा, भा को ऐसे भा लिख दिया और यहां से उसके नीचे एक ऐसे करके ऐसे घुंडी निकाल दी, समझ में आ रहा है ना? उन्होंने झ क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि झ जो लिखा जाता था ना पहले, पहले कैसे लिखा जाता था, पहले भा बना दिया और भा के बाद यहाँ पर ऐसे जैसे काम में निकलता है ना ऐसे घुंडी, वैसे घुंडी निकाल दी, ऐसे झ बनता था, ऐसे झ बनता था, लेकिन अब झ इस तरीके से प्रयोग में आता है, ये जो झ लिखा है ना अब ऐसे प्रयोग में आता है, ये जो त, त ना आधा त, लेकिन अब ये ता में ये हटा देते हैं, ये घुंडी हटा देते हैं, केवल ऐसे ता लिखते हैं, ऐसे करके ता लिखते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए जो जैसे ये ख लिखा हुआ है, आप ख देख रहे हैं, ख देख रहे हैं ना, ये पहले ख ये जो था, ये जो लाइन दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम, ये जो खा में जो लाइन दिख, ये जो खा में ये जो लाइन दिख रही है वो इस वाली लाइन से जुड़ी हुई है, पहले ये लाइन यहाँ पर जुड़ती नहीं थी, यहाँ पर ये इसके साथ में
लाइन को जोड़ा नहीं जाता था, ठीक है। उसके बाद ये ला को भी कैसे बनाते थे, जैसे ये ला में क्या किया है, ऐसे यहाँ डंडी लगा दी है और ऐसे करके ला लिखा गया है। लेकिन पहले ला कैसे लिखते थे, ऐसे दो देखो, जैसे थोड़ा इस पर हमारे कर्सर पर ध्यान देंगे तो देखें, ऐसे ला दोनों ऐसे आ की तरह ला बनाया और बीच में ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे ला बनता था। माने ये वाली जो डंडी है ना, ये वाली डंडी अभी इसको ऐसे कर दिया है, पहले क्या करते थे इसको दोनों को ऐसे करके बनाते थे और ये बस जो ये छोटी सी डंडी है ऐसे लगाते थे, ये पूरी सीधी लाइन नहीं होती थी, ये भी पूरा कर्व में आता था, इस तरीके से ला लिखा जाता था। आ भी अलग तरीके से लिखा था, आ कैसे लिखते थे, जैसे श्र श्र देखते ना आप लोग, श्र पहले पा लिखते थे और उसमें तीन चार चार डंडियां निकालते थे, चार डंडियां ऐसे करके निकालते, ऐसे पा बनाते थे, पा और उसमें चार डंडियां बना के लिखते थे। तो इस तरीके जैसे आज यहाँ पर आ ऐसे लिखा हुआ है, पहले आ अलग तरीके से लिखा जाता था, झा मैंने बताया ये ऐसे लिखा जाता है, पहले झा भ के साथ ऐसे करके लिखते थे, खा में ये डंडी मिली हुई नहीं होती थी, ला में पहले ये पूरे दोनों ही कर्व होते थे, बस ऊपर की ये लाइन होती थी, ये ऊपर की वाली शुरु रेखा ना, ये जो मेरी बिंदु लगी हुई है ये लाइन होती थी, इस तरीके से प्रचलन में वो शब्द आते थे। चलिए और होगा तो मैं अब अगला प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा कीजिए। ये तो क्या है कि ये आप लोगों के लिए है, ठीक है, आप लोगों के लिए है। अब देखिए क्या है लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानियां। लिखित भाषा स्थाई रूप है, माने जो कुछ भी हमने लिख कर रखा है वो परमानेंट है, स्थाई माने परमानेंट है। बोला हुआ शब्द तो क्या है, हो सकता है कि सेम टू सेम वैसा ही वापस नहीं बोला जा सकता, या फिर हो सकता है कि हम भूल जाएं कि हमने क्या बोला था, या पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं मौखिक भाषा को। लिखित भाषा को तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर सकते हैं और वो ज्ञान का भंडार बन सकती है, परंतु क्या है लिखित लिखित भाषा स्थाई रूप है, जिससे हम ज्ञान और विज्ञान को जिससे ज्ञान और विज्ञान सुरक्षित रहता है, माने एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी भी उसे प्रयोग में लाती है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जो भी हमने किया, जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम कह रहे हैं वो रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों तक भेज सकते हैं, मौखिक नहीं भेज सकते, लिखित माध्यम से। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि लिखित माध्यम से ही क्यों, हम तो फोन के माध्यम से अपनी बात को दूर दराज तक भेज सकते हैं, है ना। ऐसा आपके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो उसको अपनी बात को मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, लेकिन वह सुरक्षित नहीं रहेगी कि आपने क्या बोला, ये कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से और इसके माध्यम से हमारा इतिहास पता चलता है। आप सोचेंगे कि आपके मन में जैसे एक रिकॉर्ड शब्द मैंने बोला तो एक और आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि हम लिखित भाषा को रिकॉर्ड कर, मतलब हम बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारे पास सुरक्षित रहेगी, लेकिन कब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं मीडिया, उनको हम बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं कर सकते, कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण ये खराब भी हो सकती है, या फिर बहुत अधिक एक्सेस में हमारे पास हो जाती है हमारे जो भी डिवाइस है उसमें, तो हमें डिलीट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसको सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसके माध्यम हाँ माध्यम से इतिहास का पता चलता है, इसी भाषा के चलते ज्ञान का से लिखना है क्या कॉपी में कुछ करने को, नहीं एक लिखना नहीं है, बस समझ लेना है, बस याद रखना है कि हाँ यदि आपको लगता है हम भूल जाएंगे, देखिए वही बात है, अभी जितना जो हम पढ़ रहे हैं ना, है ना,
अब हम मौखिक भाषा में पढ़ रहे हैं। यदि आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, दो कंडीशन है। आप बोलते हो नहीं मैं याद रख सकता हूँ, तो याद रख लीजिए। आपको लगता है नहीं मैं भूल जाऊंगा, तो आप इसे लिखित रूप में रख के रखिए, जो स्थायी होगा और सुरक्षित होगा। देखिए वही बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई, एक उदाहरण भी प्रस्तुत हो गया इस बात से, है ना। इतिहास का पता चलता है, इसी भाषा के चलते ज्ञान का था भंडार संचित और प्रसारित होता है। हम देखते हैं कि कितनी सारी बुक्स हमारे पास रहती हैं, कितने सारे किताबें हैं, है ना, कितनी सारी किताबें हैं हमारे पास, जिनको हमारे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। अब देखिए यहां पर देखो बताया गया है कि लिखित भाषा से हम सभ्य कैसे बने। देखिए बहुत सारी जो हम देखते हैं हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करने योग्य बातें भी लिखी हैं, ना करने योग्य बातें भी लिखी हैं, क्या क्या जीवन के नियम होना चाहिए, कौन कौन से डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब बातें। किसी का माइक खुला हुआ है। वेदों में भी सालों पहले लिखा गया था, वो आज भी हम लोगों के पास है। किसका? हाँ, जो वेद इतने सालों पहले लिखा था, वो भी आज हमारे पास है। तो उन्हीं के, किसी का माइक ऑन है? प्लीज जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो, यदि क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो बात करना। तो ये सभ्य, नियमित और अनुशासित, सभ्य, नियमित और अनुशासित, ये हम पुस्तकों से उनके उन बातों को पढ़कर ही जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हम इनसे ही हम अपने जीवन में सभ्यता, नियमितता और अनुशासन लाते हैं। आपने देखा होगा अनुशासन की यदि हम बात करें, जैसे सभ्य की बात हुई थी कि क्या, बहुत सारी बातें हमें धार्मिक ग्रंथों से पता चलती हैं कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य करने योग्य नहीं है। नियमित दैनिक दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, वो भी इस बातों में हमें देखने सुनने को मिलती है। अब अनुशासन की यदि हम बात करें, तो आप लोग देखते होंगे कि आपको एक डायरी मिलती है स्कूल की तरफ से, तो मिलती है कि नहीं सायरा? ठीक है, मिलती है। तो उसमें उसमें लिखे होते हैं डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन। पढ़ाए हैं आप लोगों ने स्कूल डिसिप्लिन को उसमें? yes, हाँ, तो उसमें हमारे पास लिखित रूप से आ गया कि हम अनुशासित, मतलब स्कूल में रहकर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे कार्य कैसे होने चाहिए, तो हमें एक लिखित रूप से प्राप्त हो गए, तो उससे हमारा जीवन अनुशासित हो गया, सहायक हो जाता है। मतलब मौखिक भाषा सहज है, मतलब आराम से दैनिक दिनचर्या में, आपस में, बोलचाल में हम कर सकते हैं। ये भाषा का मूल रूप है, मौखिक तो मूल रूप है भाषा का, परंतु लिखित का भी अपना एक महत्व होता है। चलिए आगे क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर है ना कि इसको मैं वापस थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रख सकता, ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संवाद कर सकती है। ये मौखिक भाषा का महत्व है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं।
चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, अक्षर ध्वनियों यानी अक्षर मतलब स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बंगला आदि के शब्दों में प्रत्येक अक्षरों के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित होती है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, क्या संकेत व्यक्त करते हैं बताओ। चलिए देखिए नीचे के चित्र देखिए। चलिए जैसे ये वाला जो चित्र होता है, इस चित्र को देखकर हम क्या बताते हैं कि क्या करते हैं, ये जो बच्चा दौड़ रहा है इससे समझ में आता है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये चित्र बता रहा है। ये क्या है? ये पूरा गोल है। ये क्या है? बाई ओर से जाने का संकेत है। जैसे यहाँ से घूमते ना, बाई ओर से जाने का संकेत। हाँ, ये कौन सा है? मुड़ने का संकेत है। बाएं मुड़ो और दाएं मुड़ो। बाएं और दाएं मुड़ने के संकेत होते हैं। ये हमारे यातायात के उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। यस मैम। चलिए हम वापस मीट पर आ रहे हैं। मैं मुस्कान अनुष्का देवानी का माइक खोला है। साईराम, साईराम मैम, साईराम मैम, साईराम मैम, मुस्कान का माइक खोला है। मुस्कान का माइक खोला है। ये आप लोग, ये आरुष आपका बंद ही नहीं रहता, गौरी का आप अपने बंद करो। चलिए तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? चलिए कोई अब मैं नया नया चैप्टर शुरू नहीं कर रही हूँ आज, लेकिन कोई डाउट है तो मुझे बताइए इस वाले पार्ट में। मैम जो आपने डिस्कस किया कुछ करने को वो कॉपी में नहीं करना है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, अभी पहले भी मेरी आपकी बात हुई ना इस विषय पर, कि देखिए आपको अच्छे से याद रहता है कि हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स कभी भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आप सोचो कि आप का जो क्वेश्चन पेपर होता है कि आपको डायरेक्ट जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं अभी आपको क्लियर बोल रही हूँ, यदि आपको लगता है कि हाँ मैं भूल जाऊंगा क्या मैडम ने डिस्कस किया, तो कुछ पॉइंट्स के साथ में उसे नोट करके रखिए, जिसे आप बाद में एक्सप्लेन कर पाए। समझ आ रहा है ना? सभी बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ ये बात। यस मैम। है ना? बाई चांस ये क्वेश्चन आता है फिर आप कहते हो ये तो हमने लिखा ही नहीं था कॉपी में, तो सिक्स क्लास में आने के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, आपसे डिस्कस किया जा रहा है, वो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लिख कर भी रख सकते हो और अपना माइंड में भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है ना? यस मैम। चलिए और कोई डाउट आप लोगों को? एक काम करते हैं कि हम जो अपना अगला पार्ट है पार नजर के, उससे उसके बारे में हम पढ़ने से पहले कल हम पढ़ेंगे, तो क्या है पीरियोडिक टेस्ट के बारे में कौन पूछ रहा है? एक मिनट में एक बार ये चैट बॉक्स चेक कर लूं क्या क्या हुआ है। साईरा हिंदी और संस्कृत का काम। अभी ये देवांश द्विवेदी पूछ रहा है कि मैम पीरियड
प्योरिटी टेस्ट कैसे होंगे बेटा ये आपको जब होगा तब बताया जाएगा। अक्षत ने फिर से गलत यूज किया है चैट बॉक्स को। अक्षत जी ने, चलिए अब देखिए हम बात कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी जो आपके लिए प्रेजेंट में है तो स्पेस से लेकर, स्पेस माने अंतरिक्ष से संबंधित, आपके मन में क्या क्या प्रश्न रहते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो आज हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी बच्चा बोलना चाहता कि मैं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में ये सोचता हूं, है ना, मेरे मन में ये प्रश्न उठते हैं, क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, कुछ अलग प्लैनेट को लेकर हो सकते हैं। हाँ, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, मैंने कुछ ऐसा सुना है अंतरिक्ष के बारे में, कुछ अलग तरीके की दुनिया है वहां पर, उसकी चर्चा आज हम लोग कर सकते हैं। कोई बोलना चाहेगा, किसी के पास है क्या बोलने के लिए? अभी हमारे पास यूरेनस प्लैनेट है, वो ऐसा पहला ऐसा प्लैनेट है जिसकी खोज टेलीस्कोप के जरिए हुई है, बाकी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ यूरेनस ही ऐसा है। ओके, अच्छा मैं आपके मन की बात करना चाहती हूँ कि प्लैनेट्स को लेकर, अंतरिक्ष के प्लैनेट्स को लेकर आपके मन में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है ये बताना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलो। मेरे मन में ये चलता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर एलियंस रहते होंगे। ओके। और वो सोचते होंगे कि हम भी एलियन हैं। ओके, तुम्हारे मन में ये चलता है कि वो लोग मतलब दूसरे कोई ग्रह पर हमारे एलियंस होंगे और वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, जैसे हम उनको एलियंस नाम देते हैं, उन्होंने भी हमारे लिए एलियंस नाम चुना होगा। ओके, और कोई बात करना चाहेगा? मैं मतलब मार्स पे जाके कब रहेंगे? ये प्रश्न का तो उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ कि हम मार्स पे जाके कब रहेंगे। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब जा सकते। यस मैम, दुनिया तो बहुत कई हुए और बहुत साल खत्म होगी। अच्छा, ये तो आपके मन के विचार हैं, प्रश्न है। मैम, लोग चांद पे जमीन क्यों खरीदते हैं? आपके मन में क्या? चलिए चलिए, हम चांद पर क्यों जमीन खरीदते हैं? आपके जब आपके मन में ये प्रश्न आया तो आपके मन का खुद का उत्तर क्या था ये मुझे बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगी। आपके मन में क्या प्रश्न, मतलब आपके मन में एक प्रश्न आया कि लोग चांद पर जमीन क्यों खरीदते हैं, फिर आपके मन में क्यों क्या आया होगा उत्तर, क्या उत्तर आया आपके मन में बताओ? हो सकता है कि वहां पर जीवन, लेकिन पॉसिबल है क्या वहां पर जीवन? सर्च रिसर्च नहीं है, नो मैम नहीं है, वही तो कोई भी सरिया नहीं है। हाँ, वहां पर कोई भी ला सकते। हाँ, तो रिसर्च में तो ये तो कभी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि चांद पर जाकर रहना पॉसिबल होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है, इमेजिनेशन है, ये भी हो सकता है कि हम इतने विकसित हो जाएं कि हम एक बार चांद पर घूम के अपनी तरफ से आ जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेस शटल जो भी यूज करें हम वहां पर पहुंच जाए, ये हो सकता है। क्योंकि आगे कितना एडवांस होगा, कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचेंगे, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी साइंस प्रगति कर रही है, उससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीवन संभव है ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे हम कहीं पर घूमने जा सकते हैं, या फिर हो सकता है लोगों के मन में एक स्टेटस रहता है कि हाँ मेरे पास चांद पर भी जमीन है, इस तरीके से एक भाव भी लोगों के मन में आ सकता है। चांद का टुकड़ा है। हाँ, चांद का टुकड़ा है। चलिए और पूछिए, क्या पूछना है, कुछ मन में, कुछ अपने मन। हाँ, अपने मन में अर्थ के जैसा सॉलिड सरफेस है कि नहीं, या फिर अर्थ में ऐसा प्लैनेट है जिसपे सॉलिड सरफेस है? अच्छा, सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं आप, तो आपके मन में ये प्रश्न आया कि जुपिटर पे क्या सॉलिड सरफेस है, कि जहाँ पर जैसे हमारे पृथ्वी पर है, तो फिर आपने क्या सोचा,
क्या करना करने की सोचा, आपके मन में ये विचार जब ये आ गया तो फिर आपने क्या सोचा? कहते हैं ना कि एक छोटे से वैज्ञानिक के मन में कोई विचार आता है तो वो उसे खोजने के लिए, उसे जानने के लिए वो जी जान लगा देता है। प्रश्न जब हमारे मन में उठते हैं तभी शायद इतनी सारी खोजें हुई है, इतनी सारी रिसर्च हुई है, वो इसी कारण से हुई है कि हमारे मन में कहीं पर एक छोटा सा प्रश्न आ जाए और यदि हम उस प्रश्न के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएं कि मैं इसकी जानकारी लेकर ही रहूंगा तो 100% वो एक दिन एक वैज्ञानिक की रिसर्च एक नया इतिहास बनाता है। यस मैम, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जुपिटर पे जाऊँ एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर, जिससे मैं वहाँ पर देख सकूँ कि वहाँ पर जैसा सॉलिड सरफेस है कि नहीं। हाँ, तो उस दिशा में आप, यदि आपके मन में ये है तो आपको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। जो एस्ट्रोनॉट बनना होगा, एस्ट्रोनॉट बनना होगा उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, उस दिशा में सोचना पड़ता है, वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे मन में कुछ विचार तो आते हैं, जब अलग अलग तरीके के विचार आते हैं तो वही विचार कभी कभी हमारे लिए एक एम बन जाते हैं, हमारा लक्ष्य बन जाते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जी जान से जुट जाते हैं। यस मैम। और भी कोई बच्चा बात करना चाह रहा है? यस मैम। बोलिए मैम, अर्थ पे जैसे लोग रहते हैं वैसे कोई और प्लैनेट्स पे लोग रहते हैं क्या? जैसे आपके मन में एक जिज्ञासा है कि क्या और कहीं पर रहते हैं, वैसे मेरे मन की भी एक जिज्ञासा है। देखिए संभवतः ये कल्पनाएं तो बहुत हैं, पर तो प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसा नहीं देखा गया है, कोई प्रमाणिक इसका रूप नहीं मिलता है, तो अभी तक हम इसको सिर्फ मात्र काल्पनिक मानते हैं, है ना, मात्र काल्पनिक मानते हैं। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यहाँ से जो ध्वनि आती है ओम, वहां से उसका रिप्लाई भी आया है, कुछ मूवीज भी ऐसी बनाई गई हैं जिसमें ऐसे अंतरिक्ष के पार के दुनिया के बारे में चर्चा की गई है। हाँ मैम, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बार स्पेस में जाओ और फिर एलियंस की फोटो देख के उनके बारे में पता करो कि वो लोग क्या खाते हैं और कैसे जीते हैं। हाँ, तो फिर करो उस दिशा में। मैं भी ये चाहता हूँ कि सारे प्लैनेट्स की मैं एक बार स्पेस में जाकर सैर करके आऊँ और वहाँ पे किस उसकी मिट्टी में किस सारी चीजों की, वहाँ पे जैसे कि अर्थ की मिट्टी में वो गोल्ड छिपा है, वैसे वहाँ के मिट्टी में कौन से सॉलिड छुपे हुए हैं, ये सब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब देखूँ। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो हम अब इस पार्ट का फिर कल फिर से हम इसको शुरू करेंगे। ओके, चलिए साई राम। बहुत सारा सोना है। साई राम मैम, थैंक यू मैम।